As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Aaj ka sabak sun lijiye. Sabak number 763. Yeh ek islahi sabak hai. Ek khat hai kisi khatoon ka aur uska jawab hai. बहुत ध्यान से सुनिए, खास तौर से जवान लड़के लड़कियां जरूर सुने इसे, ताकि परेशानी में मुब्तला न हो। और ये पूरा खत मैंने मेरी किताब बिखरे बूती जिल्द 5 में सफा 1 के ऊपर लिख दिया है, लेकिन आजकल इस किस्म के खतूत और आ रहे हैं, इसलिए ये सबक दे रहा हूँ। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बाज़ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से सदियाँ जो है वो सजाएं पाती रहती हैं। आजकल नौजवान लड़के लड़कियाँ इश्क करके शादियाँ कुछ करने की कोशिश करते हैं, यह हमारी शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चियाँ हमारी बहुत भोली भाली होती हैं और लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा शरीर होते हैं आमतौर से, कभी कभी उल्टा मामला भी होता है, लेकिन आम तौर से ये होता है कि बच्चियां ये सीधी साधी भोली भाली घरेलू जिंदगी गुजारी हुई होती है या स्कूल में पढ़ी हुई होती है, वो लड़कों की चालाकियां नहीं समझ सकती। इसलिए इंसान बाज़ औकात ऐसी गलतियां कर बैठता है जो पूरी जिंदगी के लिए उसे बहुत खून के आंसू रोने पड़ते हैं। इन गलतियों में से एक बहुत बड़ी गलती यह है कि औरत या लड़की किसी नामहरम मर्द से अपने जाती मामलात पर बातें करनी शुरू कर दे। इसकी इब्तिदा कितनी ही खुलूस पर मबनी क्यों न हो, उसकी इंतहा हमेशा बुरी होती है। बाज लड़कियां अपने माँ बाप से बातें करने में दुश्वारी महसूस करती है, नहीं कोई ऐसी बहन होती है जो राजदार बन सके, लिहाजा वो अपने किसी कजिन या सहेली के भाई से या महल्लेदार लड़के से या क्लास फेलो से बात कर बैठती है। मर्द और लड़के बड़े फराग दिली से उसकी बात सुनते हैं, उसकी मदद करते हैं, मगर साथ ही साथ उस लड़की में दिलचस्पी लेना भी शुरू कर देते हैं। शुरू में तो दोनों फरीकैन को इस बातचीत में कोई कबाहत नजर नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों में नाजायज ताल्लुकात की सूरत बन जाती है। आजकल के नौजवान लड़के भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसाने और उनको दाना डालने में महारत हासिल कर चुके हैं। अमूमन लड़कियां ना तजर्बाकार होती हैं, जबकि लड़के मोहब्बत की पतंगे उड़ाते हैं बढ़ाने में और तजर्बा भी हासिल कर चुके होते हैं, लिहाजा वो हर नई लड़की को ऐसी हिकमत आमली से करीब करते हैं कि अकल दंग रह जाती है। अगर लड़की इन्हें दीनी जहन की नजर आती है तो इससे नेकी और नमाज की बातें शुरू कर देते हैं। इस लड़की से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे दिल में नेक बनने का शौक पैदा हो गया है। अगर लड़की की तबीयत में हमदर्दी नजर आती है तो उसके सामने अपनी वालदा की सख्ती और तुरशरुई या अपनी बीवी की तलख कलामी का ऐसा मंजर पेश करते हैं कि लड़की को उस पर तरस आ जाता है। वो सोचती है कि अगर मैं इससे बात नहीं करूंगी तो ये लड़का कहीं खुदकुशी न कर ले। अगर लड़की गरीब नजर आती है तो उसको नौकरी दिलवाने या अपने पांव पर खड़ा होने का मशवरा देते हैं। अगर लड़की नाज नखरे वाली और चंचल नजर आती है तो उसकी जूती और कपड़ों की तारीफों के पुल बांधते हैं, कलर मैचिंग की तारीफ करते हैं, उसको करीब कर लेते हैं। जो लड़की दिखने में आम सी शक्ल सूरत रखती हो उसको कहते हैं कि साहब तुम्हारे चेहरे पर तो सादगी का नूर नजर आता है। जो लड़की उम्र में बड़ी हो जाए उसको कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर बड़ी मासूमियत है। जो लड़की बेवकूफ नजर आए
उसको उसकी अकलमंदी की खूब तारीफें करते हैं। जो लड़की मोटी हो उसे कहते हैं कि आपकी सेहतमंदी का राज क्या है, हमें भी बताएं आप कौन सा विटामिन इस्तेमाल करती हैं। अगर कुछ और समझ में न आए तो कहते हैं कि मेरे दिल में आपका बड़ा एहतराम है, आपकी शराफत मुझे अच्छी लगी है। गरज कोई न कोई ऐसी बातें करते हैं जो इस लड़की की दुखती रग होती है, और वो लड़की महसूस करे कि मुझे भी कोई चाहने वाला है। साथ ही ये लड़के ये भी यकीन दहानी करवाते हैं कि मैं आम लड़कों की तरह नहीं हूँ, मैं तो किसी से बात ही नहीं करता, पता नहीं क्यों मेरे दिल में आपका बड़ा मकाम है। जब लड़की बातचीत करने लग जाती है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे शीशे में उतारने की कोशिश करते हैं। लड़की को पूछते हैं तारीख पैदाइश आपकी क्या है, तारीख पैदाइश लिख कर रख देते हैं ताकि उसे मुबारकबादी दी जा सके, खत के जरिए रابطہ हो, आजकल तो व्हाट्सएप के जरिए रابطہ कर लेते हैं, तो ऐसे ऐसे अशआर लिखते हैं कि पढ़ने वाला दिल थाम के रह जाए। कभी कहते हैं कि आप मुझे खाना खाते वक्त याद आई, कभी कहते हैं मुझे सोते वक्त याद आई, कभी कहते हैं आप मुझे नमाज पढ़ते वक्त याद आई। अगर लड़की में शराफत नजर आए तो कहते हैं कि आपने मुझे सीधे रास्ते पर डाला है, मैं तो गंदगी के दलदल में फंस रहा था। अगर लड़की नमाजी हो तो कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, मुझे तुम्हारी दुआओं की कबूलियत पर बड़ा यकीन है। अगर लड़की में कोई बीमारी नजर आए तो उसके इलाज मुआलजे की बातें करते हैं। मकसद ये होता है कि कोई ऐसी बात की जाए जो लड़की को अच्छी लगे, और वो भी कोई बात करे तो फिर बात से बात बढ़े। जब महसूस करते हैं कि लड़की ने बेझिझक बात करना शुरू कर दी है तो बातचीत के दौरान कभी कभार कहते हैं आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्यों अच्छी लगती हैं। जब देखते हैं कि उसने मुस्कुराकर देखा तो कहते हैं प्लीज आप मुझे याद ना आया करें, मेरी नीयत साफ है, ऐसा न हो कि मुझे आपको भुलाना मुश्किल हो जाए। कभी कभी बातचीत के दौरान कहते हैं कि हैरानगी की बात है कि मेरी और आपकी पसंद और नापसंद बहुत मिलती है। कभी कभी ये कहते हैं कि आप बहुत अकलमंद हैं, आपने फला मशवरा बड़ा ही अच्छा दिया। कभी साफ लफ्जों में फिर आखिर में कह देते हैं मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। ये सारी की सारी शैतानी बातें होती हैं, शैतान के सिखाए हुए झूठे अल्फाज होते हैं। इसलिए लड़कियां जहन में रखें, ये मैंने मुख्तसर बयान किया है, जिल्द 5 में जरूरी मज़मून पढ़ लें और अपने आप की हिफाजत करें, इश्क आशिकी के चक्कर में न पड़ें। इस्तिखारा करते रहें, हर नमाज के बाद ये दुआ मांग लें, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूर कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्ज़ि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। तो जहाँ खैर मुकद्दर में होगी अल्लाह आपका रिश्ता वहाँ कराएगा। अल्लाह ताला बच्चियों की भी हिफाजत करे और लड़कों की भी हिफाजत करे, और माँ बाप की मर्जी के मुताबिक उन्हें शादियाँ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।